यहाँ का इंचार्ज कौन है? अभी तो इंचार्ज छुट्टी दे नहीं, एक भी तो होगा, पूरा तो छुट्टी नहीं जाएगा ना, पूरा तो नहीं जाएगा। हाँ एक तो होगा जिससे हम तो आज हम सीबीआई ऑफिस में आया है। आप सब देख के जान के आप लोग चौंक जाएगा कि यहाँ पे सीबीआई ऑफिस है, बट देर आर नो पर्सनल्स। इनफैक्ट नीचे में भी एक ऑफिस है, यहाँ में भी है, शायद एक दो तो है, लेकिन वो मिलना नहीं चाह रहे हैं। अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग सीबीआई यहाँ पे आया क्यों है। तो इसलिए आप सब जितना भी जनता है, सिर्फ हमारा अरुणाचली सिर्फ नहीं है, जितना भी इनफैक्ट ये न्यूज़ जो है, ये जो खबर है, दिस शुड स्प्रेड एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। यहाँ पे जैसे दिल्ली जैसे शहर में, मुंबई जैसे शहर में, वहाँ पे सीबीआई सुबह शाम चापा मारता है और वहाँ पे अरेस्ट करता है, लेकिन यहाँ पे अरुणाचल इतना छोटा स्टेट है, यहाँ पे फॉर द लास्ट 5-6 मंथ्स सीबीआई आया हुआ है, लेकिन नॉट इवन वन सिंगल अरेस्ट, सीबीआई से अरेस्ट नहीं हो पा रहा है। अभी हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, जो कंट्री का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, यहाँ पे कर आया है तो कर क्या रहा है। इसलिए हम यहाँ पे आज जो भी था हमारा APPSC, जो भी आप सब ने देखा है फॉर द लास्ट 7-8 मंथ्स, हम सब यहाँ पे अपडेट लेने के लिए आया था। और ये जो अपडेट लेने का जो काम है, ये सिर्फ हमारा पैन अरुणाचल जोन स्टीयरिंग कमेटी, हम लोग का सिर्फ ड्यूटी नहीं है, हमारा काम था ये इशू को फोर फ्रंट में, पब्लिक का डोमेन में लेके आना। लेकिन यहाँ से ये होना चाहिए था कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपना काम करना चाहिए था, और जो हमारा आम जनता है, जितना भी जो पेरेंट्स हैं, जितना भी हमारा एस्पिरेंट्स है, यहाँ का जितना भी जनता है, आप सबका ड्यूटी ये होना चाहिए था कि आप सबको भी इधर आके अपडेट लेना चाहिए, क्योंकि ये इशू सबका इशू है। अभी हम लोग ऐसे हो गया कि सबका जो भी है ना इशू को भी लेके आएगा, अपडेट भी हमको ही लेना है। आप सब घर में बैठे बैठे सोशल मीडिया में ट्रोल करना बंद कीजिए। अगर आपको कुछ कंट्रीब्यूट करना है, इधर आइए, सीबीआई को पूछिए वो अभी तक क्या काम किया है, वो लोग अभी तक का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचा है। अभी ईडी भी आने का बात था, ईडी का भी हमें कोई नामो निशान नहीं है, सीबीआई हमें 6-7 मंथ से है, जो कंट्री का प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अभी हम समझ में नहीं आ रहा है इसको क्या बोलेगा, क्या नया नाम देगा। तो इसलिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट से भी ये अपील है, ऐसे टाइप का इन्वेस्टिगेशन होने से, ये 10-15 साल होने से भी कुछ नहीं होने वाला है। अभी समझ में आ रहा है, समझ में क्लियरली अभी समझ में आ रहा है कि क्यों एक भी अरेस्ट नहीं हो पा रहा है। ऐसे टाइप का इन्वेस्टिगेशन करेगा आप जो जिसको अरेस्ट होना हुआ था। इनफैक्ट ये लोग का चार्जशीट को पढ़ के देखिए, एक बकवास चार्जशीट बनाया है। अभी यहाँ में आते हैं तो टाइम पास करने के लिए आए, ये तो हम लोग आई वॉश करने के लिए आए हैं। आई थिंक ये यहाँ पे जो भी आया है दे शुड बी आंसरेबल, जो यहाँ पे जो इतना बड़ा स्कीम, आई थिंक दिस इज नो लेस देन व्यापम स्कीम। तो इसको अनअर्थ करने के लिए जो सीबीआई का जो एक ड्यूटी है, जो करना चाहिए था, आई थिंक दे आर फेलिंग हियर। और इसमें हम तो दोषी देगा स्टेट गवर्नमेंट को भी, स्टेट गवर्नमेंट वो लोग या ये लोग को जितना चेक एंड बैलेंस करना चाहिए वो लोग नहीं कर रहा है। और हमारा तरफ से जो भी हमने सजेशन दिया स्टेट गवर्नमेंट को भी ये बोला था कि सीबीआई में जो पर्सनल्स है बहुत कम है, इसमें आपको भी स्ट्रेंथन करना है। जो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो सीबीआई उसका अंदर में डायरेक्टली आता है, और स्टेट गवर्नमेंट बींग जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट दे आर फ्रॉम द सेम पार्टी। अभी ये ड्यूटी होना चाहिए था कि स्टेट गवर्नमेंट को हमको हर चीज़ को बोलने का, ऐसे नौबत आने नहीं देना है। अभी हर चीज़ को हमको बोलना पड़ रहा है, सीबीआई को लेके आओ, बोले सीबीआई आ गया, लेकिन सीबीआई कर क्या रहा है। अभी सीबीआई का जो भी काम है स्टेट गवर्नमेंट, आप भी इसको मॉनिटर करना है। आई थिंक ऐसे टाइप को इन्वेस्टिगेशन करेगा फॉर द लास्ट 2-3 मंथ हाँ, यहाँ पे हम लोग बैठा हुआ है, और अभी भी हम यहाँ पे ऑलमोस्ट लाइक 2-3 घंटा हो गया, कोई मिलना ही नहीं चाह रहा है, क्या आप देते वो भी पता नहीं चल रहा है। आई थिंक ऐसे टाइप का इन्वेस्टिगेशन होने से, दिस इज नॉट दी जो एक प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो करना चाहिए था, आई थिंक दिस इज नॉट व्हाट दे आर डूइंग। इसलिए अभी हम लोग सीबीआई को वही बोल रहा है, आई थिंक ऐसे टाइप का करेगा हम लोग नहीं मानेगा। अभी यहाँ में जो जो आया है दे विल ऑल्सो बी अकाउंटेबल। अभी स्टेट गवर्नमेंट का जो रोल है ये सीबीआई को जो एक पर्सनल का जो एक स्ट्रेंथन करना है, और यहाँ में जो लॉजिस्टिक सपोर्ट देना है, आई थिंक वो भी हम देख पा रहे हैं कि ये सीबीआई ऑफिस है, ये सिविलियन एरिया है। अभी जैसे जो लेतुमी गंगक सर का जो इंसिडेंट हुआ, दैट इज ऑल्सो ये सीबीआई का लापरवाही से ही हुआ।
इनफैक्ट हम तो बोलेंगे सीबीआई का भी रोल है इसमें। नाउ दे हैव टू आंसर। अभी यहाँ पे जो विटनेस है, जो यहाँ पे जो भी जिसको मैं बुला रहा है, इफ दे डोंट फील सिक्योर तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा? हम यहाँ पे देख रहे हैं ऑफिस में कोई है ही नहीं, और पूछता है तो बोलता है कि गुवाहाटी में है, दिल्ली में है। अरे इन्वेस्टिगेशन अरुणाचल में करना है, गुवाहाटी में नहीं है, दिल्ली में नहीं है। और यहाँ पे ऑफिसर लोग, एक दो ऑफिसर अंदर है बट अभी भी वो नहीं कर रहे हैं। ये जो अंदर से लोग है, हाँ ऑफिसर अंदर है एंड दे आर नॉट विलिंग टू टॉक टू अस। अभी हम अपडेट भी नहीं ले पा रहे, माने ये क्या चल रहा है? ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आया ना, क्या करने के लिए आया? आई थिंक दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। ये सिर्फ हमारा अरुणाचल को बोल के सिर्फ नहीं है, एंटायर कंट्री ये चीज़ को देखना है। जो दिल्ली में जो अरेस्ट कर रहा है, जो महाराष्ट्र में अरेस्ट कर रहा है, देन इज लाइक सीबीआई जो एक केज पैरट बोलता है। आई थिंक ये सही निकल रहा है। हमारा जो भरोसा था कि एसआईसी जो चीज़ नहीं कर पाया, हमें ये भरोसा था कि सीबीआई करके दिखाएगा। अभी सीबीआई का आया और ऑलमोस्ट 5-6 मंथ्स हो गया, एक भी अरेस्ट नहीं कर पा रहा है। और जिसको अरेस्ट किया था वो भी बाई डिफॉल्ट बेल निकल रहे हैं, क्योंकि चार्जशीट टाइम पे नहीं बनाया जा रहा है। और जो चार्जशीट बना रहे, 10 चार्जशीट ऐसे फर्जी चार्जशीट बना रहा है। अभी हम सीबीआई को कैसे मानेगा? आई थिंक इसलिए अरुणाचल का जितना जनता है, आप सब देखिए, पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी का ड्यूटी था ये इशू को फोरफ्रंट में लेके आना। और सीबीआई बीइंग दी प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ द कंट्री, वो लोगों यहाँ पे हमने डिमांड किया और आया। अभी हम सबका ये ड्यूटी बनता है, सबको आके सीबीआई को अकाउंटेबल करना है। लेकिन यहाँ पे देख रहा है कि नोबडी इज कमिंग फ्रंट। अभी सिर्फ हम लोग को ट्रोल करने में बिजी है, सोशल मीडिया में सब एक्टिव हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ग्राउंड में भी आए हैं जितना भी यहाँ पे हमारा पेरेंट्स है, जितना भी जनता है। आप सब यहाँ सीबीआई को क्वेश्चन कीजिए। अभी हमारा जितना भी जो भी ये, इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी अरुणाचली, हम सबको यहाँ पे एकजुट हो कि अभी हम सीबीआई को सवाल करना पड़ेगा। दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट ड्यूटी। और सीबीआई जो अलग जगह में जो अरेस्ट कर रहा है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं कर पा रहा है? और यहाँ पे तो इतना ज़्यादा हमने इनपुट दिया है। और जो ले तुम्हें गंगा सर का जो केस है, जो 2017 का जो केस है, दैट इज एन ओपन एंड शट केस। इतना ज़्यादा फोर्स सिग्नेचर पाया गया है, जो अवार्ड से थे वो मैनिपुलेटेड किया गया है। अभी नाउ सीबीआई इज़ टू आंसर। इसलिए आप सबको वही दरख्वास्त करना है, जो पेरेंट्स है आप सब अभी ये बात नहीं कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं। आप सब आके यहाँ में पूछताछ कीजिए, एक दूसरा को ब्लेम मत कीजिए। अभी एक दूसरा को ब्लेम कर रहे हैं। और पैन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी, वी आर ऑल्सो एस्पिरेंट्स, हमारा भी लिमिटेशन है। तो आप सबको अपील करना है कि आप सब भी आइए, सीबीआई क्या काम कर रहे हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी आप भी देख लीजिए। अभी तुम्ही गंगक सर का केस फोर्जरी केस था, जो फोर सिग्नेचर किया गया है एवरचित का ऊपर में, उसको आप निकालने के लिए कितना समय लगेगा? ऑफिसर्स अरुणाचल में ही है, उस ऑफिसर्स को आप क्यों नहीं बुला सकता है? कोई लोग डीसी बन के बैठा हुआ है, कोई लोग थाईलैंड में घूम रहा है चेयरमैन लोग, इसको आप देखता नहीं है। इसलिए हम लोग यहाँ पे लोगों को अवॉइड करके हम लोग यहाँ आ रहे हैं। और अभी जो हम लोग का क्वेश्चन पूछना, अब तक 6 मंथ सीबीआई जो आया है, एक भी अरेस्ट हुआ नहीं? हुआ कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया नहीं किया? बीआईपी का जैसे बुलाता है, उसका बाद में कब चोरता है पता नहीं। अभी हम रजिस्टर को देखा है, बिजनेस रजिस्टर को, उसमें बिजनेस रजिस्टर का फाइल नंबर भी नहीं है। दैट मीन्स कल को ये मैनिपुलेट कर सकता है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस उस समय पे आया था, ये बिजनेस उस समय पे आया था? और ये रजिस्टर को आप रजिस्टर नंबर दिखा के देखिए, रजिस्टर होगा, रजिस्टर को भी देख के देखिए, उसका नंबर ही नहीं है, तो कैसे करके पता चलेगा? इसलिए यहाँ साफ साफ पता चलता है कि ये जो नेक्सस है, और हम लोग का ये जो 29 को शायद हम लोग का ये है 0 में हम लोग का रैली है, उसका बाद में हम लोग सीबीआई का ऑफिस पे हम धरना करेगा। पीए जैसे हम लोग यहाँ पे धरना करेगा, जब तक अरेस्ट नहीं करेगा हम लोग यहाँ से हिलेगा नहीं। जितना भी जनता है आपको यहाँ पे आना है, गवर्नमेंट में यहाँ पे वो करना है। हम लोग यहाँ पे किसी अलग आदमी को या अलग टॉपिक्स पे बात नहीं करें, इसी इन्वेस्टिगेशन पे बात करें। अभी 6 महीना तक अरेस्ट नहीं हो रहा है, डेथ मीन्स पेपर लीकेज नहीं हुआ था, 2014 में भी ऐसे हुआ, तो यहाँ भी ऐसे साबित करना चाहता है कि पेपर लीकेज हुआ ही नहीं। तब तो मिनोती बोरन को भी अब छोड़ दिया है। यहाँ पे देखो पूरा चार्जशीट नहीं बना पा रहे ये लोग, बेल मिल रहा है, रिपोर्ट बेल मिल रहा है, जो अरेस्ट जो होना था वो भी नहीं हो रहा है। और जो ये लोग पहले से बोल रहे हैं कि हम लोग का काम करने का दंग अलग होता है, सिविलियन का पुलिस का काम करने का दंग अलग होता है, हम लोग का चार्जशीट स्ट्रॉन्ग चार्जशीट बनाया जाता है,
कन्विक्शन रहे तो हम लोग का ठीक होता है। ये चार्जशीट को पढ़ के देखिए, हम लोग पब्लिक डोमेन में रखा है, ये एक बकवास चार्जशीट बनाया गया है कि 2014 का जैसे पेपर लीकेज हुआ है, लेकिन कल को ये जितना ये ऑफिसर्स जो जिसको पकड़ा है, जिसको टर्मिनेट किया, वो भी वापस आ जाएगा अगर ये सीबीआई रहेगा। इनफैक्ट अगर हम लोग अभी लीगली इसको हम लोग देख रहे हैं, इफ पॉसिबल वी विल फाइल एन एफआईआर अगेंस्ट द सीबीआई ऑफिसर्स दोज हु हैव बीन इन्वॉल्व इन द मर्डर ऑफ दिस व्हाट कॉल्ड तुमी गंगा। हमको तो यहाँ पे सीबीआई ऑफिसर को ही फाइल करना है, क्योंकि सीबीआई ऑफिस यहाँ से फोन करने दिया था तुमी गंगा सार को, जब से तुमी गंगा सार का मर्डर हुआ है कोई अरेस्ट नहीं, बेल पे बेल मिला जा रहा है। तो आप सोच के देखिए, महीना भर यहाँ पे चेंज करते रहेगा इन्वेस्टिगेशन को। आप दिल्ली पे जाके देखिए, मनीष सिसोदिया को जेल के अंदर बंद करके रखा है, सीएम को वहां से इंट्रोगेट कर रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं कर सकता है? ये निपुण आप कौन सा बड़ा चीज है? उस समय का कंट्रोलर एग्जामिनेशन कोई क्या कौन था, पगली सोरा अभी डीसी बन के बैठा हुआ है, उसको भी बुलाओ, उसको नहीं बुला सके, उसका बाद में तुम्ही गंगा सार को बुलाया था, अभी तुम्ही गंगा सार को बुलाए तो पगली सोरा को भी बुलाना पड़ेगा। उस समय का ऑफिसर कितना कितना था, मेंबर लोग को भी बुलाना पड़ेगा, मेंबर लोग मोपिन में डांस कर रहा है, ये लोग अभी इंट्रोगेट करना पड़ेगा, नहीं करने से हम लोग ये लोग अभी ऐसे जता रहा है कि अरेस्ट नहीं होने से डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं भरेगा। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नहीं भरने से ये लोग का सो कॉल्ड जूनियर ऑफिसर जो डिक्लेयर कर रहा है पेरेंट्स, ये लोग हामी भर रहा है, और यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट मॉरल बूस्टिंग कर रहा है ये लोग को, जितना भी चोर लोग को ये लोग स्टेट गवर्नमेंट जो मॉरल बूस्टिंग कर रहा है। इसलिए हम यहाँ से बोल रहे हैं, आज हम लोग ऐलान करता है पाल अरुणाचल जोन स्तरीय कमेटी का तरफ से ईडी भी आए आने से भी, और अभी जो सीबीआई को हम लोग यहाँ पे धरना प्रोटेस्ट करेगा, जब तक अरेस्ट नहीं करेगा हम लोग यहाँ से नहीं हिलेगा। डेट बता दीजिए कब नहीं, डेट को हम लोग अफ्तर 29 जीरो से रहेंगे, उसके बाद में हम लोग देख लेगा उसको, हर एक चीज को हम लोग सोच विचार करके करना पड़ता है ये, लेकिन हम लोग यहाँ पे आके पता चल रहा है ऐसे होने से नहीं होगा। अभी आप मीडिया वाला लोग भी देख लीजिए, जितना भी एक्सपीरियंस पेरेंट्स आप लोग देख लीजिए, सो कॉल्ड जूनियर ऑफिसर्स उसका पति लोग उसका मिसेज के लिए तो लड़ रहा था, कभी वो लोग को सीबीआई ऑफिस में आते हुए देखा नहीं। जितना ऑफिसर था वो लोग पूरा पंडिंग कर रहा है, ये ऑफिसर लोग भी ज्यादा करेगा हम लोग का अगेंस्ट में, मेरा खिलाफ में वो करेगा, आप लोग का ऊपर भी हम ईडी लगाने देगा, चलो तचीपुर का ऊपर भी लगा, आप लोग भी यहाँ पे क्राउड फंडिंग करके बोनती बैती को उतारने का कोशिश करेगा, हम लोग चोरेगा नहीं। इसलिए जब ईडी आएगा हम लोग यहाँ पे पिन पॉइंट करके जो जो ऑफिसर था उसका नाम का साथ में हम लोग ईडी में देगा। आप लोग अभी सोच रहा है कि रिट पिटीशन फाइल करेगा, ये अनएम्प्लॉयमेंट लड़का को हरा के देखे, इस पर करके देखो आप लोग का इस पर हम लोग पूरा ये नहीं करेगा, औकात आप लोग का नहीं दिखाएगा, हम लोग पीएजीसी इस पर करेगा ही करेगा देखो। इसलिए हम लोग बोलते हैं अभी भी वक्त है अपना चेहरा को दिखाना है, सही में आप जूनियर ऑफिसर है, चलो सीबीआई ऑफिस में आओ, यहाँ पे धरना प्रोटेस्ट करो, ईडी ऑफिस में आओ, अब भी इनपुट दो। जैसे मिनोती बोरन को देखो, जब उसमें ऑफिस में काम करा उसका स्टाफ नहीं बताया कि वो ऑफिसर सीईओ बनने का लायक नहीं, एक ड्राफ्टिंग नहीं कर सकता है। लाइक वाइज आप लोग एक ऑफिस में बैठ के आपको कैसे पता नहीं, देट मीन्स आप भी इक्वली इन्वॉल्व है। इसलिए सो कॉल्ड जूनियर ऑफिसर आप लोग का पीछे भी हम कर रहे हैं। आज हम चीफ ऑफिस में गया है, 6 बजे को हम लोग सीएस को मिलेगा, जितना भी जूनियर ऑफिसर का लिस्ट हम लोग निकलेगा, वो जो जूनियर ऑफिसर क्या करके अंदर टेकिंग दिया, नमूना क्या कि नहीं किया, और इसको स्टेट गवर्नमेंट क्यों छुपाया। लास्ट फेब्रवरी सॉरी मार्च का 10 तारीख को था, अभी अप्रैल हो गया, 1 महीना आधा हो गया, वो लिस्ट को क्यों नहीं दिखा रहे पब्लिक डोमेन में, क्यों नहीं रखा है? 976 जो ऑफिसर था उसको पब्लिक डोमेन में रखो, कौन कौन उसमें नार्को टेस्ट के लिए रेडी है, कौन कौन ईडी के लिए रेडी है, पब्लिक स्टेट गवर्नमेंट अभी क्यों छुपा रहा है? इसलिए यहाँ पे हम जोर शोर से करेगा। इसलिए पब्लिक जनता जितना भी ब्लॉगर्स है यहाँ पे सोशल मीडिया और फेसबुक में एक दिन का हीरो बनने का कोशिश करता है, आप लोग यहाँ पे ग्राउंड पे आके देखिए, यहाँ पे आपका फॉलोअर्स बनाने का कोशिश मत करो, दिन रात यहाँ पे वो मत करो, एक दिन में हीरो बनने का कोशिश मत करो। आप लोग जैसे मीडिया लोग जैसे हम लोग को कवरेज कर रहे हैं, लाइक वाइज वो लोग भी आगे आइए ना, बंद कॉल डिक्लेयर करो, बंद कॉल डिक्लेयर करो, कल को किसी का जान जाएगा आप लोग वो करेगा। इसलिए ये जो ब्लॉगर्स है, हम एक दो ब्लॉगर्स को भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे आप पब्लिक को उकसाओ मत, एक्सपीरियंस को मत उकसाओ, कल को कुछ भी होता है बोले से, ये जो एक दो करके ब्लॉगर जो एक दिन में हीरो बनने का कोशिश कर रहे हैं ना, ये लोग को करना है। आप जहाँ पे लड़ना है उसमें लड़िए, गवर्नमेंट को पूछिए, सीबीआई को पूछिए, ईडी को पूछिए, इंस्टीट्यूट ऑफ डेथ तचीपुरु क्या करता है, पीएजीसी क्या करता है, ये नहीं करता है, बिग क्या वो कर दिया बोलता है, आप जहाँ पे लड़ना है लड़िए ना,
ग्राउंड पे आइए, ये लोग को कभी दिखाई नहीं देगा, इसलिए